Hi everyone, hope you all are clear with the muscular system. Yesterday I have already taught you the muscular system, as well as I have given you the extra fill in the blanks and the answers for the extra questions. So hope muscular system is clear to you. I'll quickly go on the recap. That is, we have 650 muscles. They are attached to the bones, and together they make all the movements in our body, that is bending of arms, knees, etc. There are two type of muscular system. So one is voluntary muscles. Two types of muscles. One is voluntary muscle and one is involuntary muscles. For the example of voluntary muscles, we have legs, arms, fingers, and toes. Why? Because they are the muscles which we can move, right? And the involuntary muscles are not in our control. The muscles which are not in our control are called involuntary muscles. The muscles of heart, chest, eye, stomach are not under our control, so it is called an involuntary muscles. Today I'll start with the circulatory system. What is circulatory system? Okay, मैं आपको सिंपली एक एग्जाम्पल देती हूँ. ये एग्जाम्पल सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए है, बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए नहीं. मैं पहले आपको सर्कुलेटरी सिस्टम समझा रही हूँ. What is circulatory system? Circulatory system is a pathway of circulation. Pathway of circulation का मतलब है, for example, रिवर्स हैं, राइट? अगर रिवर्स हैं तो रिवर्स हमारे घर तक पानी देने नहीं आती है, राइट? हमारे घर पे पानी देने कौन आता है? नल भी हमारे घर पे पानी देने नहीं आता है, बट इट इज़ अ अटैच्ड सिस्टम जो फ्लो करके रिवर का पानी हमारे घर तक लेके आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, रिवर्स के ऊपर अगर डैम्स बना दिए और उसके साथ चेक डैम्स बना दिए एंड उसके साथ कैनल्स बना दिए, कैनल्स को अगर रिजर्वॉयर्स के साथ अटैच कर दिया, रिजर्वॉयर्स को शॉर्ट टैंक्स या फिर जो जो भी हमारा जो भी हमारे नंबर ऑफ सिटीजन्स है उस एरिया के या फिर उस सिटी के या फिर उस टाउन के, सो उस अकॉर्डिंगली एक बड़ा सा रिजर्वायर बना के या फिर बड़े से टैंक्स खड़े करके उसमें पानी डाल दिया, देन वहाँ से हमारे सिस्टम तक आया या फिर हम जहाँ रहते हैं वहाँ तक आया. और फिर फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम लिविंग इन सिरामिक सिटी, सो सिरामिक सिटी से बड़े से सिरामिक सिटी का जो मेन टैंक है वहाँ तक आया, फिर सारे बिल्डिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, देन सारे बिल्डिंग्स से हमारे घर तक पानी आया. इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. सेम वे हमारे बॉडी में भी एक चीज़ है जो हमेशा सर्कुलेट होती रहती है. व्हाट इज़ दैट? ब्लड. यस, देयर इज ऑलवेज अ फ्लो ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी में पूरा दिन, इट इज़ नॉट इवन अ सिंगल सेकेंड, नॉट इवन अ सिंगल मिली सेकेंड, वो कंटिन्यूसली हमारे बॉडी में फ्लो करता रहता है. येस, दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. इसका मैं आगे और एक एग्जाम्पल दूंगी, लेकिन नाउ आई स्टार्ट रीडिंग. द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं? हार्ट, ब्लड मतलब खून, जैसे मैंने बता दिया, एंड द ब्लड वेसल्स. व्हाट आर द ब्लड वेसल्स? ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड को ले जाने वाले पाइप्स. जैसे मैंने आपको नल का एग्जांपल दिया, जैसे मैंने आपको रिवर से लेके हमारे घर तक पानी पहुंचाने का एग्जांपल दिया, द सेम एग्जांपल एप्लीकेबल्स हियर. द ब्लड गोज थ्रू द ब्लड वेसल्स. यस, द हार्ट लाइज इन द चेस्ट
अंडर द रिब केज, हार्ट कहाँ है? चेस्ट में. हार्ट कहाँ है? चेस्ट में, अंडर द रिब केज. रिब केज मैंने आपको बताया था, जब हम स्केलेटल स्ट्रक्चर देखते हैं, सो द लाइनिंग पार्ट ऑफ द बोन्स, राइट? सो दैट इज रिब केज. सो हार्ट कहाँ है? इट इज़ इनसाइड द चेस्ट, अंडर द रिब केज. द हार्ट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स. हार्ट क्या करता है? हार्ट ब्लड को पम्प करता है. ब्लड को पम्प करता है. ब्लड को सिर्फ ऐसे ऐसे पम्प करता रहता है? नो, इट पम्प्स, मतलब हार्ट का काम है. जब भी हार्ट ऐसे धक 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 धक, तो जो हार्ट के पम्पिंग है, उस प्रेशर की वजह से जो ब्लड है वो सारे बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है थ्रू ब्लड वेसल्स. मैंने ब्लड वेसल्स मतलब समझा दिया, पाइप्स, वन टाइप ऑफ पाइप्स विच कैरीज ब्लड. साइंस या फिर कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जिससे आप जल्दी से छोटी छोटी चीज़ों के साथ कनेक्ट कर लोगे ना, तो आप इजीली याद कर पाओगे, याद रख पाओगे. फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बता रही हूँ ब्लड वेसल्स, तो अगर आपको ब्लड वेसल समझ में नहीं आ रहा है, इट्स ओके, पाइप ले लो. जैसे पानी में पाइप आता, पाइप में पानी आता है, वैसे ब्लड वेसल्स में ब्लड आता है. ओके, सो दिस इज़ द मोस्ट ईजी ट्रिक टू रिमेंबर साइंस, आई थिंक ऑल द सब्जेक्ट्स. ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेन्स ब्रिंग्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज टू द हार्ट. ऐसे ब्लड वेसल्स जो दूसरे ऑल ओवर द बॉडी से इम्प्योर ब्लड, जो ब्लड इम्प्योर हो चुका है, उसे वापस हार्ट तक लेके आते हैं. उस ब्लड वेसल्स को क्या कहते हैं? वेन्स. उस ब्लड वेसल्स को क्या कहते हैं? वेन. द हार्ट सेंड्स ब्लड टू द लंग्स टू बी प्योरिफाइड. हार्ट ब्लड किसको भेजता है? लंग्स को. द हार्ट सेंड ब्लड टू द लंग्स टू बी प्योरिफाइड. हार्ट ब्लड किसको भेजता है? लंग्स को. हार्ट लंग्स को ब्लड भेज के क्या करता है? हार्ट लंग्स को ब्लड भेजता है इम्प्योर वाला टू बी प्योरिफाइड. वहाँ पे ब्लड प्योरिफाइड होता है. प्योरिफाइड ब्लड देन कम्स बैक टू द हार्ट टू बी पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स कॉल्ड आर्टरीज. व्हाट आर कॉल्ड आर्टरीज? मैं आर्टरीज और वेन्स को एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बाद में दे रही हूँ, पहले आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस समझ लो. आर्टरीज वो वाले ब्लड वेसल्स हैं जो हमारे प्योर, मतलब अच्छा वाला ब्लड लेके जाता है. एंड वेन्स वो वाला वेसल, ब्लड वेसल है जो हमारे इम्प्योर ब्लड को लेके जाता है. इन दोनों को मैं एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में जो भी पानी आता है, राइट, जो प्योर है, जो अच्छा पानी है, जिसको हम पीने में यूज़ करते हैं या फिर घर के दूसरे कामों में यूज़ करते हैं, राइट, तो वो जिस पाइप थ्रू आता है, दैट आर कॉल्ड आर्टरीज. उस पाइप्स को हम आर्टरीज कहेंगे. मतलब कि अगर मुझे अच्छा ब्लड चाहिए, अगर मुझे अच्छा पानी चाहिए, तो मैं आर्टरीज से लूँगी. आई मीन टू से आर्टरीज से आएगा. एंड द इम्प्योर ब्लड, फॉर एग्जाम्पल, हमने बर्तन धो लिए, हमने कपड़े धो लिए, तो वो जो पानी है वो कहाँ पे जा रहा है? गटर में. तो वो जो पाइप्स हैं, दे आर अवर वेन्स, जो पूरे बॉडी में घूम के आता है और वहीं पे गंदा होके फिर वापस से हार्ट में आके लंग्स में उसको वापस से प्योर होने के लिए भेज देते हैं. सो इज़ इट ईजी फॉर यू टू रिमेंबर आर्टरीज एंड वेन्स? आर्टरीज और वेन्स समझना ईजी है? यस, आर्टरीज एंड वेन्स समझना बहुत ईजी है. द सिंपल एग्जाम्पल इज वाटर पाइप्स, राइट? जिस नल से अच्छा पानी आता है, दैट इज आर्टरीज. मतलब
जिस वेन से, जिस ब्लड वेसल से अच्छा ब्लड आता है, प्योर ब्लड आता है, प्योरिफाइड ब्लड आता है, दे आर कॉल्ड आर्टरीज एंड द ब्लड वेसल्स विच पम्प्स बैक इम्प्योर ब्लड, उसको इम्प्योर ब्लड को वापस से प्योरीफाई करने के लिए भेज देते हैं, दे आर कॉल्ड वेन्स. होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. यस, सो आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस समझ में आ गया, राइट? आई रीड वंस अगेन. द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीज़ें हैं, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. द हार्ट लाइज इन द चेस्ट अंडर द रिब केज. हमारा हार्ट कहाँ है? चेस्ट में है, अंडर द रिब केज. द हार्ट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स. हार्ट क्या करता है? हमारे हार्ट ब्लड को पम्प करता है. कैसे पम्प करता है? जैसे ही हार्ट पम्प होता है, हमारा ब्लड हमारे पूरे बॉडी में घूमता है. यस, ब्लड वेसल्स कॉल वेन ब्रिंग्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट. ऐसे ब्लड वेसल्स जो इम्प्योर ब्लड लेके जाती है उसे वेन्स कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, हमारा ड्रेनेज सिस्टम. यस, द हार्ट सेंड्स ब्लड टू द लंग्स टू बी प्योरिफाइड. हार्ट ब्लड किसको भेजता है? लंग्स को. हार्ट ब्लड किसको भेजता है? लंग्स को, राइट? टू बी प्योरिफाइड. प्योरिफाइड ब्लड देन कम्स बैक टू द हार्ट टू बी पम्प थ्रू द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स कॉल्ड आर्टरीज. प्योरिफाइड ब्लड देन कम्स बैक टू द हार्ट टू बी पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स कॉल्ड आर्टरीज. ठीक है. आर्टरीज ऑल्सो कैरी ऑक्सीजन एंड फूड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. आर्टरीज इसी के साथ, आई मीन टू से प्योर ब्लड के साथ साथ और क्या कैरी करते हैं? ऑक्सीजन एंड द फूड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. विद दिस आई एम गिविंग यू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. सो वन इज, व्हाट कंसिस्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं? द आंसर इज, द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. क्वेश्चन नंबर 13, वेयर डज द हार्ट लाई? हार्ट कहाँ है? द हार्ट लाइज इन द चेस्ट अंडर द रिब केज. द हार्ट लाइज अंडर द चेस्ट, सॉरी, हार्ट लाइज इन द चेस्ट अंडर द रिब केज. व्हाट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी? हाउ? ब्लड को सारे बॉडी पार्ट्स में कौन पम्प करता है? एंड हाउ, कैसे पम्प करता है? द हार्ट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स. हार्ट पम्प करता है किससे? बॉडी, हमारे सारे बॉडी को, थ्रू ब्लड वेसल्स. व्हाट आर कॉल्ड वेन्स? क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर कॉल्ड वेन्स? अगर मैं हिंदी में एग्जाम्पल दूँ तो वो ड्रेनेज सिस्टम जो हमारा इम्प्योर पानी लेके जाता है. द ड्रेनेज सिस्टम विच ब्रिंग्स अवर इम्प्योर ब्लड, राइट? सो द आंसर इज, ब्लड वेसल्स विच ब्रिंग्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट कॉल्ड वेन्स. ऐसे ब्लड वेसल्स जो पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड लेके आते हैं, राइट? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर कॉल्ड आर्टरीज? व्हाट आर कॉल्ड आर्टरीज? आर्टरीज किसे कहते हैं? अगर मैं एग्जाम्पल समझाऊँ तो मैंने आपको प्योर पानी सोर्स का एग्जाम्पल दे दिया. जैसे हमारे नल में पानी आता है, दैट इज प्योर वाटर. सो द प्योर ब्लड कम्स इन विच pipes are called arteries. Yes, so now we'll relate this to the blood vessels. The blood vessels which pumps back the purified blood from heart to the rest of the body are called arteries. So hope this is clear to you all.
with this. I'm also giving you the extra fill in the blanks, and pay attention, I'm not giving answers for this. I'll continue with the exercise 2D fill in the blanks, that is extra fill in the blanks, and fill in the blanks number 28. The circulatory system consists of dash, dash and dash. I don't know the answers. The heart lies in the dash, under the dash. Okay. The heart pumps blood to all parts of the body through dash. Blood vessels which bring impure blood from different parts of the body to the heart are called dash. The heart sends blood to the dash to be purified. Heart kise bhejta hai blood purify hone ke liye? Main already explain kar chuki hun. Yes. Number 33. Blood vessels which pumps back purified blood from the heart to the rest of the body are called dash. ऐसे blood vessels जो purified blood को पूरे body में pump करे, right? Last 34, dash also carries oxygen and food to the different parts of the body. ये oxygen को भी and food को भी different part of the body में लेके जाते हैं. Hope this is clear to you all, and I know you will complete all the answers. Goodbye for the day. Bye everyone.